हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस, अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। तो उसी में लगे हुए हैं। मीडिया सिर्फ 2 या 3% कवर कर रही है। वो हम जैसे एनालिस्ट हैं जो टीवी पे जो पाकिस्तान को बड़ी एक पैनी नजर से देखते रहते हैं, 24 घंटे पाकिस्तान को ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग कमेंट कर रहे हैं। आप किसी भी नेशनल चैनल पे देखिए, ज्यादा इसके ऊपर कवरेज नहीं आया। आता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि 24 घंटे यही खबर चला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारे अभी अपने इश्यूज हैं, जैसे इलेक्शंस हैं, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड कि बंगाल में बीजेपी आएगी या तृणमूल कांग्रेस आएगी, असम में क्या रहेगा, बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी कि कोई और सरकार आएगी। लोगों को यह ज्यादा इंटरेस्ट है, कहां कहां पे कोरोना है, वैक्सीन कहां पे फराम हो रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स क्या है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, ये लोगों के मसाइल हैं, लोग उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हाँ, बट एक बात है जो मीडिया ने कवर करा और सोशल मीडिया ने कवर करा। जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुआ था तो एक एनलिस्ट है, मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, उन्होंने ट्वीट करा था साहब कि इंडिया हैज बीन स्टैब्ड इन द हार्ट, ये करके उन्होंने बोला था जब वो लाल किले पर ट्रैक्टर लेके कुछ खालिस्तानी चढ़ गए थे, तो बोला इंडिया हैज बीन स्टैब्ड इन द हार्ट। तो वो जो कर्म होते हैं सर अपने अपने, और हिंदुओं का कहना है कि जो भी आपने इस अपने जीवन में आपने करा है, उसका अच्छा बुरा सबका हिसाब आपको यहीं पे मिलेगा, कहीं जाके नहीं मिलेगा, यहीं पे आपका निपटारा हो जाएगा। ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट है हिंदुइज्म का, एक ही थॉट नहीं है हिंदुइज्म में, अलग अलग मुख्तलिफ थॉट्स हैं, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि भाई सब कुछ कराया कराया तो यहीं पे पाकिस्तान को कुछ महीने हुए थे। 26 जनवरी को पाकिस्तानियों ने हमारी मजाक उड़ाई थी, अब पिछले एक हफ्ते से वहां पर आग लगी हुई है। तो काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब देखो आप लोग ये कह रहे थे। तीसरी बात एक और चीज है कि यहां पर जो हमारा गेस है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी हैज लॉस्ट इट्स पेशेंस विद इमरान खान। कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी का जो एक सब्र था, वो सब्र का बांध टूट गया है और अब इमरान खान को वो ज्यादा झेलने के लिए तैयार नहीं है सर। दे आर नॉट विलिंग टू टॉलरेट इमरान खान, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इमरान खान हैज फेल्ड ना, वो महंगाई कम कर पाया। दूसरी चीज है कि इंडिया के साथ जो लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ट्रेड होगा, फिर उन्होंने यूटर्न लिया, वहां पे पाकिस्तान की इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई। उसके बाद ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको जिस तरीके से मिसमैनेज करा, उससे तो एक के बाद एक इमरान खान डज नॉट सीम टू बी एबल टू गेट हिज एक्ट राइट। और कहीं ना कहीं लोग फौज को ब्लेम कर रहे हैं। मेरे पास वीडियोज पड़े हैं उन पाकिस्तानी फौजियों के, मैं चाहता हूं कि अगर आप दिखा पाए तो दिखाएं जरूर, उन पाकिस्तानी फौजियों के जो अपने चीफ को ब्लेम कर रहे हैं कि साहब आप रोकते क्यों नहीं इमरान खान को। ये हमारे जो उलेमा इकराम है, जो बड़े बड़े जो इज्जतदार लोग हैं, रिलीजियस फिगर्स हैं, उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। तो पाकिस्तानी आर्मी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक पिलर था पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी, उसके अंदर क्रैक्स दिख रहे हैं, जहां पे लोग, ये भी मुझे नहीं पता ये सच है खबर की र्यूमर है, मुझे पता नहीं है, लेकिन लोग ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी छोड़ के कई जवान गए हैं ये जमातों को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज दे फील दैट आपने हजरत मोहम्मद साहब की जो इंसल्ट हुई है उसके बारे में आपने काफी कुछ नहीं करा जो आपको करना चाहिए था। तो वो भी हुआ है वहां पे पाकिस्तान में, ऐसा सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट वहां पे भी क्रैक्स पड़ रही हैं और लोग अपने वीडियोज, जवान अपने वीडियो जारी कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट ग्रेट कंसर्न फॉर एनी कंट्री। देखिए, आपने बहुत सारी बातें की, एक तो कर्मा की बात की, बिल्कुल दुरुस्त है, वो तो हर जगह ये सच है, जो हमारी हिंदू सिविलाइजेशन का जो ये कहना है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो वैसे भी नेचर की बात है कि जो करनी वो भरनी वाली बात है, सैडली ये एक अपनी जगह पे एक फैक्ट है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी में क्रैक्स हैं या जो उनकी अपनी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, ये भी मेजर गौरव साहब बहुत अरसे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब तो बहुत वाजे हो गई है। इमरान खान के साथ भी कहा यह जा रहा है कि कुछ आर्मी के ग्रोह हैं और बहुत सारे ग्रोह उनके ख़िलाफ़ भी हैं, ये तो पाकिस्तान में अरसा दराज से चल रहा है, अब बढ़ गया है। लेकिन इस सारे अमल में भारत को क्या ख़तरा होता है कि क्या इस तरह की जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है जब एकदम से फिर भड़कती है, उस भड़काव में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिर भारत क्या वो कार्ड खेलते हैं भारत दुश्मनी का, तो क्या कोई आपको लगता है कि कोई इस तरह का काम भारत को भी खतरा महसूस हो सकता है डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में?
नहीं ताहिर साहब, हमें कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान अगर कुछ कर सकता तो बहुत पहले कर देता, पाकिस्तान के बस का नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो जिसको कहते हैं कि वो सलाहियत नहीं है पाकिस्तान के पास कि कुछ कर दे। देखिए ना आप, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि वो कौम इतनी कंफ्यूज क्यों है। एक तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कई बार कह भी चुका हूँ, तो मेरे पाकिस्तानी दोस्त पाकिस्तान से फोन करते हैं, मेजर साहब आप ऐसा ना कहें, मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं रह गया पाकिस्तान में। अब उन्होंने खूब बड़ा एक साहब झंडा उठाया, परचम उठाया कि 370-35 से बहाल करना चाहिए, हटा दिया है, गलत हटाया है और उसको बहाल करना चाहिए। 370-35 से है क्या ताहिर साहब? 370-35 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो सबसे पहले यह तस्लीम करता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आप सबसे पहले यह समझ लीजिए, फिर वो बात करता है स्पेशल स्टेटस की कि कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। तो कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये 370-35 से मानते हैं। अगर नहीं मानते तो भारत के संविधान का पार्ट, भारत के आईन या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कैसे होते? वो मानते हैं, इन लोगों ने पढ़ा नहीं, पाकिस्तानियों ने। अब ये कह रहे हैं कि 370 बहाल करो। क्या इमरान खान ये कहना चाह रहा है कि 370 बहाल करो, यानी कि इमरान खान ये तस्लीम करता है कि कश्मीर और पूरा कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, वो भारत का हिस्सा है? क्या इमरान खान ये कहना चाहता है? मैं इसके कैसे जो एडवाइजर हैं वो कैसे एडवाइजर हैं इमरान खान के जो ऐसी गलत सलाह देते? भाई आप पाकिस्तान का एक मौजू है, पाकिस्तान का मौजू ये है कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और कश्मीर का डिस्प्यूट यूएन रेजोल्यूशन 1948 के तहत सॉल्व होना चाहिए, पाकिस्तान कहता आ रहा है। अब मैं ये चाहूंगा कि भाई अगर जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है इमरान खान, कम से कम ये तो जाने कि पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस चीज पे, पाकिस्तान का ऑफिशियल बयानिया क्या है। उसको यही नहीं पता ऑफिशियल बयानिया क्या है। वो कह रहा है 370 वापस, 370 वापस भी ले लेंगे उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? 370 तो कहता है कि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। क्या इमरान खान ये कहने को तैयार है कि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया? उसको खुद ही नहीं पता वो क्या बोलता है। तो ये बड़ा इनमें कंफ्यूजन है। कोई इनको, देखिए साहब ऐसा है कि जज्बाती लोग हैं, इनको कोई भी भड़का देता है भड़क जाते हैं। अब एक बात मैं ताहिर साहब आपसे पूछता हूं, छोटी सी बात, एंड आई विल एंड माय आंसर विद दिस, है ना? फ्रांस में किसी ने एक गलत हरकत करी, हजरत मोहम्मद साहब का किसी ने गलत कार्टून बनाया जिसको हम भी कंडेम करते हैं, हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए किसी, वाई इस्लाम इवन हिंदुइज्म, किसी भी रिलीजन के खिलाफ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये मैं एज अ हिंदू कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि नहीं बनना चाहिए था, जो था कहते हैं ठीक है आपका जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा ना कि तुम मतलब किसी को कुछ वो ही कर दोगे। फ्रांस में किसी ने खाके बनाए, इन लोगों ने साहब पूरा का पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, गलती करी फ्रांस वाले ने, आपने अपना सर मुंडा दिया और आप सड़क पर नाच रहे हैं और आप अपने मुल्क को पूरा का पूरा जला के आपने खाक कर दिया अपने मुल्क को क्योंकि फ्रांस में किसी ने खाके बनाया। मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया सर। देखिए आपने मुझसे ये बात पूछी तो ये लॉजिक तो दुनिया के किसी भी सोचने वाले आदमी को समझ नहीं आ सकता। हत्ता कि इमरान खान को भी आज अपनी तकरीर में कहना पड़ा कि भाई ये हमारा ही नुकसान होगा, फ्रांस का तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान जिस मसला को उठा रहे हैं, पहली बात यह है कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि नबी करीम पीस बी अपॉन हिम के बारे में जो भी बात की जाए उसको इग्नोर किया जाए। ख़ुद प्रॉफिट के ज़माने के टाइम को हम याद करें तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ख़ुद उस उन पर एक औरत कूड़ा फेंकती थी, एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो आप खुद उनके घर गए और पूछा जाके भाई आप आर यू फीलिंग वेल, ये तो उनकी स्पिरिट थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान के मुसलमान ख़ास तौर पर इस स्पिरिट को भूल चुके हैं और एक हेटरेड है, एक भड़काऊ है। आपने कहा कि जज्बाती लोग हैं, बिल्कुल जज्बाती भी ऐसे कि जिसमें अक्ल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इमरान खान ने ख़ुद ये कहा गौरव साहब कि बात यह है कि अगर हम फ्रांस के एम्बेसडर को निकालते हैं तो पूरे यूरोपियन यूनियन से हमारा तल्लक बंद हो जाएगा, हमारी जो टेक्सटाइल की जाती है एक्सपोर्ट पूरी वर्ल्ड में 50% यूरोपियन यूनियन को जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब बातें इमरान खान कह रहे हैं पैसों के चक्कर में। मुझे अफसोस ये हुआ कि इमरान खान टॉलरेंस का मैसेज फिर नहीं दे रहे, ये नहीं कह रहे कि भाई कोई बात नहीं अगर किसी ने बदतमीजी की है तो ग्रेटनेस ऑफ प्रॉफिट किया इग्नोर करें, हु केयर्स, ठीक है, ये मैसेज इमरान खान भी नहीं दे रहे। तो कैसे आपके हमसाए मुल्क में
ये सब कुछ दुरुस्त होने का चांस है, कोई चांस नहीं। लेकिन मैं उस पर एक सवाल जोड़ता हूँ अब आपके साथ मेजर गौरव साहब, भारत में जो